अच्छा हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहा है किससे भाई, शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स वगैरह से। इनिशियल स्टार्टिंग करेंगे शेल से। तो शेल्स क्या चीजें होती है? दोस इमेजिनरी पोर्शन इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। और सब शेल्स क्या होते हैं? शेल के अंदर मजीद रास्ते होंगे वो कहलाएंगे सब शेल। और सब शेल के अंदर जो एक्सिस होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम अकोमोडेशन पाई जाती है वो क्या होते हैं? ऑर्बिटल। अगर हम नॉर्मली इसको कंप्लीट डिस्कस करें तो के एल एम एन दीज आर शेल्स, सेकेंड एस पी डी एम दीज आर सब शेल्स, एंड बगैर इसके ऑर्बिटल में जाएंगे तो पी एक्स पी वाई पी जेड, ये क्या होंगे? ऑर्बिटल। जरा इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर भाई एनर्जी लेवल, तो इनिशियली एनर्जी या सब एनर्जी लेवल्स इसे कहते हैं। तो वो तमाम इमेजिनरी पोर्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसे क्या कहलाते हैं? शेल्स। फॉर एग्जांपल के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सारे क्या होते हैं? शेल्स। इनिशियल अगर इंटरमीडिएट की स्टडी की बात करें तो हमारे कोर्स के अंदर इनिशियली से वर्षिप चार शेल पढ़ाया थे, के एल एम एन, बाकी ओ पी क्यू आर भी कोर्स का हिस्सा है, कोर्स में शामिल होते हैं। इसी तरह सब एनर्जी लेवल, शेल के अंदर मजीद कुछ रास्ते होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन पाई जाती है, ये ध्यान करते हैं एसपीडीएफ से। एसपीडीएफ दीज आर सब शेल्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जहां पर मैक्सिमम अकोमोडेट करता है वो चीजें कहलाती हैं ऑर्बिटल्स। वो चीजें क्या कहलाती हैं? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स। हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन पढ़ ली, पता कर लिया कि कौन कौन से शेल्स हैं, सब शेल कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं और शेल सब शेल के अंदर कैसे होते हैं, अब जरा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियल हमारे पास क्या था भाई? शेल। शेल क्या है? के एल एम एन, के एल एम एन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर विच इज प्रपोज बाय बोहर। बोहर ने फॉर्मूला दिया। अब यहां पर के लिए n 1 पुट होगा, यहां पर n 2 पुट होगा, यहां n 3 और यहां पर n 4 पुट होगा। हम निकालें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर शेल, द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर, यहां पुट कर देंगे 2n स्क्वायर की जगह पर 2n स्क्वायर, सेकेंड 2n स्क्वायर, थर्ड 2n स्क्वायर और फोर्थ 2n स्क्वायर। तो यहां पर k के लिए आ जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, a 2^4 4^2a, L में आ जाएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि L मैक्सिमम कंटेन या मैक्सिमम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, M 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18, M मैक्सिमम कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, 4 स्क्वायर 16, 16 टू 32, तो N मैक्सिमम कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहां सिंपली बताया गया कि शेल्स क्या है। शेल्स इंटीरियर वो इमेजिनरी पोर्शन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता अराउंड द न्यूक्लियस। शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर, जिसको किसने दिया है? बोहर्स ने। n इज नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल n1, सेकंड शेल n2, थर्ड शेल n3, फोर्थ शेल n4। जब बकायदा k l m n के लिए 1 2 3 पुट डाउन करेंगे देन वी कैन गेट इजिली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन k शेल, l शेल, m शेल और n शेल। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? शेल्स की। अब जरा देख लेते हैं सब शेल्स। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ दीज आर सब शेल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला 2 2l प्लस 1। L is asymptotal quantum number and the value of L is n minus 1. L is asymptotal quantum number or value of L is n minus 1.
हाँ जब हम लोग क्वांटम नंबर का टॉपिक स्टडी करेंगे तो वहां पर असिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर क्या जाहिर करता है, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। फिलहाल ये असिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर हर ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, फिक्स। अगर हम एस की बात करें, पी की बात करें, तो फॉर एल, फॉर एस एल विल बी जीरो, फॉर पी एल विल बी वन, एल टू एल थ्री। और अगर हम ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है टू टू एल प्लस वन, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मालूम कर रहे हैं, तो फॉर एस टू टू इंटू जीरो प्लस वन, टू जीरो जीरो प्लस वन वन, एस मैक्सिमम कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, पी टू टू इंटू वन प्लस वन, टू अंदर टू प्लस वन थ्री, थ्री टू सिक्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन टू। अब यहां पर असिम्प्टोटिक के लिए कितना है, टू टू इंटू टू प्लस वन, टू टू द फोर प्लस वन फाइव, फाइव टू टेन, टेन इलेक्ट्रॉन्स, और टू टू इंटू थ्री प्लस वन इफ यू गोस टू टू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन। ये असल में रियल मेथड है। और अगर आप लोग कहते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट तरीका बता दे, एक तरीका और भी है, अगर लिखा हुआ यहां पर एस पी डी एफ और हमें इसमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले पता होना चाहिए। एस कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, प्लस फोर की एडिशन कर दे सिक्स इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस फोर की एडिशन कर दे टेन इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस फोर की एडिशन कर दे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में। तो ये फॉर्मूला है, जस्ट हमें अभी को इतना भी खास याद होना चाहिए कि के में, एल में, एम में, एन में, शेल्स में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही हमें सबशेल के याद होना चाहिए, क्योंकि आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और उसके लिए हमें अगर यही नहीं पता होगा इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो इनिशियल हमने यहाँ पर शेल चेक कर लिया, उसके बाद सबशेल देख लिया, सबशेल के बाद क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक कोई सवाल हमसे पूछे आप? अब देखिए यहां पर हम लोगों ने शेल और सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका सीख लिया। अब जरा एक कंबाइन चीज देख लेते हैं यहां पर, इनिशियल हमारे पास क्या थे भाई, शेल्स, और शेल्स में क्या होते हैं, सबशेल्स। शेल्स के एल एम एन, के लिए एन वन होगा, एल के लिए एन टू होगा, एम के लिए एन थ्री होगा, और एन के लिए एन फोर होगा। अब यहां पर के कैसा सबशेल है जिसमें एक ही सबशेल होगा, कौन सा होगा वो, वन एस मतलब एस। एल एक ऐसा शेल है जिसमें दो सबशेल होंगे, दैट इज एस पी। एन एक ऐसा शेल है जिसमें तीन सबशेल होंगे, एस पी डी, और एन एक ऐसा शेल है जिसमें चार सबशेल होंगे, एस पी डी एफ। इट मीन दैट एन स्टार्ट फ्रॉम वन, वन एस, पी स्टार्ट फ्रॉम टू, टू पी, डी स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री, थ्री डी, और एफ वन स्टार्ट होगा फोर से, फोर एफ, थ्री एफ बाय डी एफ। अब जरा एक सॉर्ट देखिएगा, S मैक्सिमम कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, एस पी डी एफ, ये भी हम लोगों ने पढ़े, S मैक्सिमम कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, सिक्स टेन फोर्टीन। इट मीन दैट S में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और S किसका पार्ट है, शेल K का, तो K में भी दो इलेक्ट्रॉन पाए जाए। S कोई सा भी हो, 1s, 2s, 3s, S मैक्सिमम कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, S कंटेन टू इलेक्ट्रॉन एंड P कंटेन सिक्स इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिला के कितने हुआ, एट, एट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं एल शेल के अंदर। सेम एज इट इज, एस मैक्सिमम कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, पी कंटेन सिक्स इलेक्ट्रॉन एंड डी कंटेन टेन इलेक्ट्रॉन, अगर तीनों को ऐड कर लें, टेन प्लस सिक्स प्लस टू एटीन। इट मीन द थर्ड शेल एम शेल मैक्सिमम कंटेन एटीन इलेक्ट्रॉन। सेम एज इट इज, एक्स कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, पी सिक्स, डी टेन एंड एफ फोर्टीन। After addition of 2, 6, 10, 14, we will get 32. It means that maximum number of electron in N shell will be 32. K2L1
एन 32। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आज ही पढ़ लिया कि शेल सब शेल क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से शेल और सब एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के रूल्स वगैरह इसके बारे में स्टडी करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।